सहयोग कार्यक्रम के तहत जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में कई लोग जमीन के मामला को लेकर के आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको स्वीकार रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जमीन माफियाओं का बोलबाला हो गया और पदाधिकारी हिस्सेदार हो गए और खुलकर भू माफिया कमजोर तबके के लोगों के जमीन पर कब्जा कर रहा है, बेचने के लिए विवश कर रहा है, उसे बाध्य कर रहा है। उसी तरह से जल के मामला को लेकर के, पेयजल के मामला को लेकर के भी लोगों ने शिकायत किया है। आज सत्ता की लोलुपता में नीतीश कुमार जी कुर्सी के लिए समझौता कर लिए हैं, कुर्सी तो पकड़ लिए लेकिन शासन पलंग पर चादर तानकर सो गया, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है यह शासन। पिछले एक साल में सड़क से सदन तक विपक्ष की आवाज को ठगबंधन की सरकार दबाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का अंग माना जाता है, फिर भी सरकार द्वारा ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है और जो भी सरकार के नीति के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाती है उसकी आवाज़ लाठियों से दबाने का प्रयास होता है। आज आप देखें कि आरजेडी साल भर की इनकी बड़ी उपलब्धि क्या है। आरजेडी कोटे के मंत्रियों को नीतीश कुमार ने बेइज्जत करने का काम किया, ये बड़ी उपलब्धि है इनकी। खास करके कृषि मंत्री सुधाकर जी का, शिक्षा मंत्री का और कई मंत्री को नीतीश कुमार जी अपमानित किए, ये आरजेडी की उपलब्धि है। शिक्षकों को धोखा दिया, सालों से काम कर रहे शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया और परीक्षा देने के नाम पर पूरी अराजकता का माहौल बनाया, बार बार नियमावली में संशोधन करके अपनी विश्वसनीयता को खत्म किया, शैक्षणिक अराजकता का वातावरण बनाया, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि साल भर की है। बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख को नौकरी देने का वादा तेजस्वी जी का हवा निकल गया। साल भर की उपलब्धि में 10 लाख की नौकरी का हिसाब देना चाहिए सरकार को। जो एनडीए के समय में हमने नियुक्ति का वातावरण बनाया था वह नियुक्ति भी पूरा नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड का, राजनीतिक फ्रॉड का माहौल बिहार के अंदर बनाया गया। सत्ता लोलुपता के लिए इस तरह का वादा इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही और नौकरी मांगने वाले को नौकरी और नियुक्ति में घोटाला के विरुद्ध वेतन समान काम के समान वेतन का साल भर में उपलब्धि रहा कि उनको लाठियों से स्वागत किया गया, लाठियों की बौछार की गई उनके ऊपर। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जंगल राज के पुरोधा नहीं, ये जनता राज है, उस दिन से ये गुंडा राज में तब्दील हो गया और बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया का सत्ता में भागीदारी और सत्ता से सड़क तक उसकी हिस्सेदारी और भय दिखाई पड़ रहा है। खुलेआम बालू माफिया गोलियों की बौछार कर रही है, शासन और प्रशासन मौन है, उस पर विपक्ष के प्रश्नों का, विपक्ष की आवाज का जवाब तक नहीं है उसके पास।
एक भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। आज सत्ता में जब अपराधियों की भागीदारी हो जाए, माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर FIR मर्डर केस में नहीं करना, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाना, और उसी मुजफ्फरपुर में जहां माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर FIR करने से प्रशासन को रोक दिया, प्रशासन को कठपुतली बना करके शासन के इशारे पर काम करने के लिए विवश कर दिया, पुलिस पदाधिकारी को नरसंहार मुजफ्फरपुर में हुआ, और उस नरसंहार में सत्ता में बैठे जदयू के नेता का नाम आ रहा है। ये CBI से हाईकोर्ट के जज से जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का चेहरा खुलकर सामने आएगा। ये इनकी साल भर की उपलब्धि है, साल भर की उपलब्धि है इनकी, कि रामनवमी हो या मुहर्रम, तुष्टिकरण की राजनीति से खुलकर मंदिरों पर पत्थर चलता है, बहुसंख्यक समाज को झूठे केस में फंसाकर उसके बहु बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करने का एक मनोबल उग्रतापूर्ण वातावरण बना है। ये इनकी उपलब्धि है। आज क्या कारण है बिहार शरीफ और सासाराम के दंगा का रिपोर्ट का सार्वजनिक नहीं किया जाना, दरभंगा में दलित पासवान समुदाय, पासवान गणेश पासवान, संभवतः गणेश पासवान नाम है, उनके लाश पर पेशाब किया जाता है, लाठियों से बौछार करके श्मशान से उसको लाश को फेंस कर तजिया का झंडा गढ़ता है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये मनोबल बढ़ाए हैं, और इस तरह का खेल इनके द्वारा जो किया गया है, जनता दरबार, मुख्यमंत्री जी आपका जनता दरबार और सुनवाई उप मुख्यमंत्री का सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गया। आप वो जारी करें रिपोर्ट कि कितने लोग आए और कितने पर आपने कार्रवाई किया। हम तो विपक्ष जनता की आवाज़ को प्रेस मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं ताकि सरकार समाधान करे, लेकिन इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की हुई मौत का मुआवजा भी पूरा नहीं दे पाते हैं, और बीमारी कह करके उसको बरगलाने का, भटकाने का खेल खेलते हैं। ये इनकी साल भर की उपलब्धि है। आज साल भर की उपलब्धि में मैं बता देना चाहता हूँ कि आज विशेष समिति का रिपोर्ट सदन पटल पर नहीं रखा जाना, जिसमें भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपया का घोटाला था, क्यों उसको नहीं सदन पटल पर रख करके रोकना, बरगलाना, और उस कमेटी को MKCL का विशेष उस कमेटी को फिर से रीओपनिंग करना और उसको नीपा पोती का खेल करना, ये सरकार के भ्रष्टाचार की उपलब्धि है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। डू यू वांट टू बी एन एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और ग्राफिक्स डिजाइनर? सो स्टार्ट योर करियर ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट विद द स्टालवर्ट्स ऑफ मीडिया। Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course.
We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 9304755035 or 9304755037. Animation Academy, an initiative of First Bihar, Jharkhand.